उत्तर प्रदेश के औरिया में ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीएम मोदी के सामने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें अभी रोक लिया है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह इस्तीफा मंजूर होगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, सुरेश प्रभु ने ट्विटर पर भी लिखा है, इन हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने मुझे इंतजार करने को कहा है। उन्होंने आगे लिखा है, मैं इन दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और उसमें यात्रियों की जान जाने और उनके घायल होने से बेहद दुखी हूं। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के पास ओरिया में कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन सहित 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 74 लोगों के घायल होने की खबर है। और इससे पहले बीते शनिवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 97 लोग घायल हो गए थे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।